मेरे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी का। ये मुस्लिम महिला देश के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया इसलिए अदा कर रही है क्योंकि उसको 4 साल बाद इंसाफ मिला है और उसको 3 तलाक और उसका हलाला करने वाला नूर मोहम्मद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मामला संभल का है जहां 2014 में तुर्तीपुर के रहने वाले नूर मोहम्मद के साथ युवती की शादी हुई थी। इसके 4 साल बाद ही नूर मोहम्मद ने युवती को 3 तलाक दे दिया था। हालांकि इसके बाद समझौता हुआ और फिर महिला के घर वापसी के लिए महिला का ससुर के साथ हलाला कराया गया, बल्कि इस दौरान महिला के साथ रेप भी किया गया जिससे पीड़िता थक गई और फिर उसने थाने में जाकर ससुर और 2 मौलानाओं के खिलाफ 3 तलाक का देश का पहला मुकदमा दर्ज करवा डाला। इंसाफ के लिए पीड़िता लड़ती रही। इसी बीच अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी भी कर दिया था और फिर पुलिस ने भी आरोपी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता ने सरकार और कानून का शुक्रिया अदा किया। पति आया, पति हलाला करता रहा, उस बीच में प्रेग्नेंट रह गई, आज मेरे पास बेटा भी है उस दौरान का, इज्जत के दौरान का। तो मैंने फिर ये मुकदमा लिखवाया, मुकदमे में मेरा थाना नखासा से FIR लग के चली गई थी। तो मैंने फिर प्रोटेस्ट डाला, कानून से इंसाफ मांगा। तो आज मेरा, मुझे इंसाफ मिला है, आज का मुलजिम को तलब करा गया है, अदालत से वारंट निकले हैं, मुलजिम आज थाना नखासा में बंद है। थाना नखासा की पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ तुरंत पुलिस मुलजिम को पकड़ा और आज उसका चालान हो रहा है। आज मुझे, मेरा बहुत खुशी का दिन है, अल्लाह ने लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह का कि उसने मुझे आज इंसाफ दिया। बल्कि इंसाफ मिलने के बाद इस मुस्लिम महिला ने PM मोदी और CM योगी का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब मुस्लिम महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तलाक और हलाला करने वालों से डटकर सामना करने की जरूरत है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए डटकर लड़ना भी होगा। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा कानून बनाया कि आज मुझ जैसी जितनी भी बेटियां हैं, पीड़ित महिला हैं, उनके घर उजड़ने से बच गए, उनके साथ हलाला होने से बच गए, बलात्कार होने से बच गए। आपको बता दें, 3 तलाक और हलाला का पहला मामला यूपी के संभल में ही दर्ज हुआ था और आज उसी केस में न सिर्फ पीड़िता को इंसाफ मिला बल्कि गुनाहगार भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। और ये मुस्लिम महिलाओं को संदेश भी गया है कि कानून बनने के बाद न सिर्फ उन्हें इंसाफ मिलना शुरू हो गया बल्कि ऐसे लोगों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना करने की जरूरत भी है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए VK न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। VK न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।